बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर आज यानी 25 मई को अपना जन्मदिन मनाते हैं। इस साल वो 49 साल के हो गए हैं। बॉलीवुड का मिस्टर फैशनिस्टा कहें, स्टाइलिश फिल्म मेकर कहें, सक्सेसफुल डायरेक्टर कहें, गॉसिप्स की खान कहें या फिर स्टार किड्स का गॉड फादर कहें, बात एक ही है, करण जौहर को बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई नामों से बुलाया जाता है। वैसे तो करण जौहर यारों के यार भी हैं। अपने घर पर स्टार स्टडेड पार्टीज होस्ट करने के लिए मशहूर करण के लिए कहा जा रहा है कि इस बार वो अपना जन्मदिन बांद्रा स्थित अपने घर पर नहीं मनाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना काल में करण ने जन्मदिन अलीबाग में मनाने का फैसला किया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती है। इसलिए करण के जन्मदिन का जश्न 3 दिन तक चलेगा, जिसमें बारी बारी से मेहमान शामिल होंगे। ये तो हुई करण जौहर के जन्मदिन के जश्न की बात, लेकिन आज हम आपको करण जौहर की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से बताने जा रहे हैं। 25 मई 1972 को करण जौहर का जन्म फिल्म प्रोड्यूसर यश जौहर और हीरो जौहर के घर में हुआ था। जिस धर्मा प्रोडक्शन को करण जौहर ने इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलवाई है, उस प्रोडक्शन हाउस की नींव करण के पिता यश जौहर ने रखी थी। फिल्मों की दुनिया में यश जौहर ने सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट्स में नौकरी के साथ की थी। देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म से जुड़कर उन्होंने कई फिल्मों का प्रोडक्शन भी संभाला और फिर साल 1976 में खुद के प्रोडक्शन हाउस धर्म प्रोडक्शन की शुरुआत कर फिल्म दोस्ताना को प्रोड्यूस किया। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट रही थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब करण दोस्तों के सामने ये बात बताने से कतराते थे कि वो फिल्म मेकर यश जौहर के बेटे हैं। वो दोस्तों को हमेशा ये कहते थे कि उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं। लेकिन फिल्म अग्निपथ की रिलीज के बाद करण ने कॉलेज फ्रेंड्स के सामने माना था कि उनके पिता यश जौहर ने ही ये फिल्म बनाई है। यश जौहर चाहते थे कि करण आगे चलकर एक्टर बने। इसके लिए उन्होंने करण का एडमिशन एक्टिंग और ड्रामा क्लासेस में भी करवाया था, लेकिन करण की रुचि फिल्म निर्देशन में थी। करण ने अपने करियर की शुरुआत आदित्य चोपड़ा का असिस्टेंट बनकर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से की थी। कम ही लोग जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा करण के सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि कजन ब्रदर भी हैं। जी हाँ, करण की माँ हीरो जौहर यश चोपड़ा की बहन है। इस लिहाज से हीरो जौहर आदित्य चोपड़ा की बुआ लगती है। आज करण जौहर के पिता उनके साथ नहीं है, लेकिन करण अपने पिता से किस हद तक जुड़े हैं इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उन्होंने बेटे का नाम दादा के नाम पर यश जौहर रखा है। वहीं बेटी रूही का नाम हीरो जौहर के नाम से बना है। करण बॉलीवुड के सबसे अमीर फिल्म मेकर्स में से हैं। करण की टोटल नेटवर्थ करीब $200 मिलियन यानी कि 1450 करोड़ रुपए है। बतौर डायरेक्टर एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए वो 3 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। मुंबई के सबसे पॉश इलाके बांद्रा में कार्टर रोड पर करण का डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, जिसे उन्होंने 32 करोड़ की कीमत में साल 2010 में खरीदा था। इसके अलावा उनका एक घर मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में भी है। इस घर की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। करण जौहर अपने यूनिक और एक्सपेंसिव फैशन लव के लिए भी मशहूर है। करण के पास एक से बढ़कर एक महंगे डिजाइनर ड्रेसेस हैं। उनके शूज कलेक्शन में हजारों से लेकर लाखों की कीमत के जूते शामिल हैं। फिल्मों के अलावा करण रफ्तार के भी दीवाने हैं। उनकी कार कलेक्शन में 1,62,00,000 की कीमत वाला मर्सिडीज मेबैक, 1,36,00,000 की कीमत की जैगुआर एक्सेल, 58,00,000 रुपए की कीमत वाली BMW 520D शामिल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।